हमारे संकल्प हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल से बेहतर सुविधा इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ जो होती हैं जिसमें बीपी बढ़ जाना या शुगर से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आसानी से टेक ओवर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में कार्डियक यूनिट है, किडनी यानी नेफ्रो यूनिट है और न्यूरो यूनिट है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर एसोसिएटेड रहता भी है तो फिर हम उसको साथ में कवर कर सकते हैं, और हमारे पास सारे टीम है, तो कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले हमारी टीम तैयार रहती है उस चीज़ के लिए। तो हमारे संस्थान में संकल्प हॉस्पिटल में ऑर्थो से रिलेटेड हड्डी रोग विशेषज्ञ से विभाग से रिलेटेड जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ बदलने का ऑपरेशन, लिगामेंट यानी ऑर्थोस्कोपी का ऑपरेशन वगैरह, और फिजिशियंस एमडी मेडिसिंस और न्यूरो डिपार्टमेंट, नेफ्रो डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट सारे हैं। अच्छा, वेल एस्टेब्लिश्ड आईसीयू यूनिट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेंटिस्ट हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी सर्जन हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। ऑन कॉल में ऑनको सर्जन्स भी आते हैं जिनका कैंसर वगैरह का कीमोथेरेपी वगैरह रहती है, वो भी यहाँ पे होती है। इसकी प्रेरणा एक्चुअली हमारा एक छोटा जो सेटअप है वहाँ पे, जब पेशेंट्स आते थे तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता था कि हम अपने पेशेंट को कुछ सीरियस कंडीशंस होने पे किसी दूसरे हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र करना होता था। तो इसलिए हमारा ये सपना था कि हम आगे जाके एक ऐसा सेटअप बनाएं जहाँ पर एक बार पेशेंट आए तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं और उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। रायपुर की स्थिति अगर एजुकेटेड लोगों में बोलें तो फिर भी ठीक है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो रायपुर में जो अपनी रूरल पॉपुलेशन है यानी गांव देहात की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके बीच में थोड़ा सा स्त्री रोग बीमारियों को लेके थोड़ा सा नॉलेज कम है। तो उन लोगों के बीच में अवेयरनेस करना या उन लोगों को सही समय पे डॉक्टर को दिखाना, जैसे गर्भवती महिलाएं जो हैं 9 महीने में कम से कम 4 से 6 बार डॉक्टर से मिलें और अपने टाइमली चेकअप्स कराएं, वो वाली सुविधा चीज़ें जो हैं यहाँ लैक करती हैं। पेशेंट डायरेक्टली लास्ट मोमेंट पे आता है जिस समय कई चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती है और हम नहीं उसको संभाल पाते हैं या हमारे पास टाइम नहीं रहता है उन चीज़ों को संभालने के लिए। उसी तरीके से कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर की जो पेशेंट्स होते हैं वो भी कई बार हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं जहां हम चाहकर भी उनमें कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए अवेयरनेस है, चाहते हैं कि रूरल और अर्बन दोनों एरिया में फीमेल्स के बीच में प्रॉपर स्त्री रोग से रिलेटेड या प्रसूति से रिलेटेड सारे नॉलेज उनको मिले। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान के तहत में सारे डिपार्टमेंट में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जो जो डॉक्टर्स यहाँ पर फुल टाइम अवेलेबल हैं वो अपना जहाँ तक हो सकता है तो आयुष्मान के थ्रू उनका इलाज करते हैं। बेसिकली नक्सली क्षेत्र वाला तो आइडिया जैसा भी है वो लोगों के दिमाग में है कि नक्सली क्षेत्र है, इसलिए लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ वो नहीं है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को गायनेकोलॉजिस्ट लोगों से एक था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ की गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाए, जिसके लिए मैंने नारायणपुर चुना है। और मंथली मैं वहाँ जाती हूँ रूटीन चेकअप के लिए। वहाँ के जाके लोगों से मिलने में कहीं ना कहीं खुशी भी मिलती है और कहीं कहीं तरस भी आता है कि सिर्फ एक नक्सली क्षेत्र घोषित हो जाने के कारण कई सुविधाएं वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। वहाँ पर आज भी जो हैं जो मरीज हैं, जो गर्भवती महिलाएँ जो आज मुझसे मिलती हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं कि बड़े शहर से रायपुर से डॉक्टर आई हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उनको सिर्फ ये लगता है कि हाँ हमारी शायद चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो बस एक कोशिश के तहत मैं जाती हूँ। गायनेकोलॉजी पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो उस हिसाब से पेशेंट लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी सिर्फ प्रिकॉशन से ही ठीक हो सकती हैं, जैसे अगर हम नियमित अपने एक्सरसाइज शेड्यूल बना के रखें, डाइट में न्यूट्रिशियस फूड इंक्लूड करें रेदर देन कि हम जंक फूड्स खाएं। और तो इन सब से बहुत सारी जो लेडीज़ प्रॉब्लम है वो
कम हो सकती हैं। महिलाओं में मेनली एनीमिया देखने को मिलता है, यानी खून की कमी देखने को मिलती है, या कमर दर्द, हड्डी दर्द, जोड़ दर्द की तकलीफ़ें मिलती हैं, या भी आजकल की डेट में माहवारी की समस्याएं लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने मिल रही हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं है, इन सब में अगर हम प्रिकॉशन ही ले लेते हैं, सावधानियाँ ही ले लेते हैं, तो आधी से ज़्यादा ये स्थिति जो है समय से पहले ही बिना दवा गोली के ठीक हो सकती हैं। अभी आजकल की डेट में अगर बोला जाए तो लड़कियों में माहवारी की समस्या सबसे ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOD। तो इसमें मेनली उसका कारण ये है कि लड़कियां ठीक है पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, बट वो कहीं ना कहीं ना वो एक्सरसाइज करती हैं, ना घर का काम करती हैं, पूरे समय मोबाइल TV इसमें लगे रहती हैं, जिसके कारण से उनका फिज़िकल वर्कआउट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप आज देखें तो 60% लड़कियां आपको या तो बहुत मोटी हेल्दी दिखती हैं या एकदम दुबली पतली लीन थिन दिखती हैं, नॉर्मल बिल्टअप की लड़कियां बहुत कम दिखती हैं। तो ये सब एक PCOD करके बीमारी है जिसके तहत ये प्रॉब्लम हमको मिलती है। तो इस कारण से अगर ये रूटीन में अगर एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो ठीक रहता है। वैसे ही दूसरी तरफ देखा जाए तो बाद में जाके जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो उसका भी कारण ये है कि जो फीमेल्स रहती हैं मेनली घर के, तो दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, पौष्टिक आहार नहीं लेना, पहले घर पूरा निपट ले फिर बचा हुआ हम देखने वाले हिसाब में रहते हैं। तो प्रॉपर वे तरीके से अपना कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लें तो उनको बाद की जो जोड़ों की प्रॉब्लम रहती हैं वो सेटल हो सकती हैं। मेरा MBBS हमने जो है रायपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से ही किया है। फिर हमने गायनेक MS गायनी का डिग्री मैंने इंदौर से क्लियर किया, महाराजा यशवंत मेडिकल कॉलेज से। और फिर हम 2002 से मैं रायपुर में प्रॉपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बोला जाए तो हमने 5-बेड हॉस्पिटल से चालू किया था और आज हम यहाँ पे एज अ संकल्प हॉस्पिटल में 200-बेडेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, पौष्टिक आहार लें, समय से पहले डॉक्टर से मिल लें और ट्रीटमेंट करा लें ताकि बाद में हम किसी बड़े प्रॉब्लम में ना फंसें। अगर मैं अपने सफ़र को याद करूं तो मैं ये देखता हूं कि विगत लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है इस फील्ड से जुड़े हुए हमको, और लगभग 20 वर्षों से तो 18-20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं ये देखता हूँ कि ये फील्ड जो है पहले की तुलना में बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए तरीके की बीमारियाँ आ रही हैं और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। बड़े अस्पतालों का दौर अब आ चुका है। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जब शुरुआती समय में आए थे, तो उस समय नर्सिंग होम्स का दौर था, छोटे नर्सिंग होम्स हुआ करते थे। अब बड़े बड़े अस्पताल आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सेवाओं को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, मगर साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पतालों में जाना, काम करना और उन अस्पतालों को मैनेज करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो चेंज आ रहा है और मैं देखता हूँ कि रायपुर का जो हेल्थ है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर को के करीब पहुँचता जा रहा है। नई नई सुविधाएं जो कि विश्व में कभी भी कहीं भी किसी अस्पताल में उपलब्ध हैं वो सब रायपुर में लगभग आ गई हैं। तो हम इस दिशा में सतत कदम बढ़ाते रहेंगे, ये मेरी प्रार्थना है और ईश्वर से कामना भी है। देखिए, जो सडनली हमारे जो अर्बन लाइफस्टाइल में जो कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि हमारा देश गाँव का देश था और अचानक कस्बे और शहर पनपने लगे, फलने फूलने लग गए और सब लोग जो हैं इनकी तरफ दौड़कर भागकर आ रहे हैं। तो इस चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से बहुत सारी बीमारियां आई हैं, तनाव बढ़ा है, तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहा है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए हमको सजग होने की ज़रूरत है, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी परेशानियां बढ़ाते जा रहे हैं और इस नई लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए हमको अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। उठना बैठना, दौड़ना भागना, इसकी सब स्पीड मॉनिटर करनी पड़ेगी और अपने स्वास्थ्य को ऐसा रखना पड़ेगा कसरत और अपने प्रिकॉशंस के द्वारा कि हम इस कठिन लाइफस्टाइल